फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत। आज हम आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन अनबॉक्सिंग लेके आए हैं, जो कि है एक रियल साउंड बार की। इस जेब्रोनिक्स वाले की अनबॉक्सिंग देखेंगे अगले वीडियो में, मीवी 60 वॉट वाले की देखेंगे। और मेनली तो जैसा आपको पता ही है कि हम बजट रेंज में और थोड़ी सी मतलब स्टार्टिंग प्राइस से शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे सस्ती साउंड बार जो आती है, इस तरह के ब्लूटूथ स्पीकर नहीं, लिखा तो इसमें भी है मिनी साउंड बार, लेकिन एक तरह से ब्लूटूथ स्पीकर ही हो गया ये। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब तो नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन हम देखने जा रहे हैं रियल साउंड बार। तो स्टार्टिंग हम कम रेंज से करेंगे, फिर उस तरह से रेंज बढ़ाते जाएंगे। तो अभी फिलहाल सबसे सस्ती साउंड बार जो जेब्रोनिक्स की तरफ से आती है, जेब्रोनिक्स की जेब जूक बार 2500। ये 2500 हो सकती है या फिर आजकल इसका नया मॉडल लॉन्च हुआ है 2550, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2200 से 2500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है, विथ ऑप्टिकल इनपुट। इसमें ऑप्टिकल इनपुट भी है, मतलब इसमें लेटेंसी के तो नो चांस। इसका साइज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है। इसको खरीदने का मेन कारण यही था कि इसका प्राइस सही में बहुत ही ज्यादा कम था, विथ ऑप्टिकल इनपुट, तो यही देख के मैंने इसको खरीद लिया। यहाँ पे सारे फीचर बड़े बड़े लिखे हुए हैं, जैसे इसमें ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और ऑक्स वॉल माउंटिंग तो होगी क्योंकि टीवी के नीचे लगेगी। इसमें आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, इसमें आपको दो ड्राइवर का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब दो स्पीकर लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन छोटे छोटे लिखे हुए हैं। इसका जो वेट है वो 1.5 किलो के आसपास है। इसमें जो पावर आउटपुट मिलता है RMS में, वो 35 वॉट का आउटपुट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका जो प्राइस मेंशन किया गया है वो 6500 रुपए मेंशन किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया 2200 से लेके 2500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगी। और ये जेब्रोनिक्स जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से आती है, तो इसमें आप तो 1 साल की वारंटी तो आप मिल जाएगी। ऐसे तो मैं इसको काफी टाइम से बजा चुका हूँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस के लिए मैंने इसको वापसी से पैक कर दिया था। और इसमें कुछ पेपर वर्क वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका एक अडेप्टर रखा हुआ मिल जाता है। ये एक वॉल माउंट मिल जाता है जो कि मेटल का है। साउंड बार है तो वॉल माउंट होना तो आवश्यक है। ये कुछ स्क्रू मिल जाता है, ड्रिल करके आप इसे वॉल में लगा सकते हैं। एक मस्त क्वालिटी का रिमोट मिल जाता है, बेसिक क्वालिटी की RCA2 ऑक्स केबल मिल जाती है। टीवी में आपके ऑप्टिकल इनपुट नहीं है तो आप इसे ऑक्स से भी चला सकते हैं, इससे भी लेटेंसी कम आएगी, लेकिन ऑप्टिकल का तो कोई जवाब ही नहीं। यूजर मैनुअल, तो जिसे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता। इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है कि किस तरह से इसे वॉल में माउंट करना है, किस तरह से ऑप्टिकल लगाना है, इतना ही था। तो रिमोट की भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, और इसमें कुछ ही बटन आपको देखने को मिल जाती है, और इसमें 2 AAA साइज की बैटरियां लगेंगी। तो इसका जो आउटपुट मेंशन यहाँ पे किया गया है अडेप्टर में, 15 वोल्ट 1.6 एम्पियर का है। चेकिंग तो काफी अच्छी करी गई है। कितनी प्यारी सी साउंड बार हमें देखने को मिल जाती है। जो ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं इस तरह के, इसका साइज आप खुद ब खुद कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इसकी दुगनी से भी थोड़ी सी ज्यादा ही। तो इसका जो साइज है 12x24, इसका जो साइज है आपको 29 इंच का देखने को मिल जाता है, 29 इंच का, और जो चौड़ाई है वो 3 इंच की आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए जल्दी से इसको पील कर लेते हैं, मतलब इसकी पॉलिथीन हटा लेते हैं। अरे वाह, पूरी तरह से ग्लॉसी प्लास्टिक में ये बनी हुई, इतनी ज्यादा शाइन कर रही है। यहाँ पे इनपुट दिया गया है, मतलब 15 वोल्ट 1.6 एम्पियर तक के अडेप्टर को आप लगा सकते हैं। अगर बाय द वे अडेप्टर खराब हो जाए तो आप इस तरह से इसकी रेटिंग का अडेप्टर लगा सकते हैं। और जो इसका आउटपुट पावर है वो RMS में 35 वॉट का है, और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर मेंशन किया गया, तो आपको वारंटी क्लेम करने में कोई भी इशू नहीं आएगी। और यहाँ पे इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे इसका अडेप्टर लगेगा, पेन ड्राइव, ऑक्स, और यहाँ पे ये देखिए, इसीलिए मैंने इसको खरीदा था, मतलब इतने कम प्राइस रेंज में आपको ऑप्टिकल इनपुट भी देखने को मिल जाता है। पर इसके अंदर में इसकी केबल नहीं आई है, आपको ये केबल अलग से खरीदनी पड़ेगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये वाली केबल खरीदनी पड़ेगी, जिससे आपको एकदम 0% लेटेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इसके वॉल माउंट के लिए यहाँ पे स्क्रू दिए गए हैं, और नीचे कुछ इस तरह की रबर पैडिंग दी गई है। अगर आप बाय द वे नहीं लगाना चाहते दीवार में, तो आप इस तरह से रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है, अब जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं रिमोट की मदद से। अभी ये ब्लूटूथ मोड पे ऑन हुआ है, अब ये ऑक्स मोड पे आ गया, ये ऑप्टिकल फाइबर मोड पे आ गया, अब वापसी से ये ब्लूटूथ मोड पे आ गया है। तो इस तरह से वहां पे लाइट इंडिकेट कर देती है, इनपुट की मदद से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी ब्लूटूथ और इसमें साउंड टेस्ट बेस टेस्ट करके देख लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं जेब जूक बार, और ये कनेक्ट हो चुका है।
अबे सुन बेचने आगे का सीन गरम करो, इनको लगता मैं बचकाना पहले उनको नरम करो, इनको लगता बस प्यारा सा लिखना जानता मैं, ऐसे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया देश में किया देश में सबको एक साथ किया। मैंने रूम में इसको काफी पीछे रख दिया है ताकि आपको एक प्रॉपर साउंड का पता चल जाए कि किस तरह से रूम में साउंड को फिल कर पाता है। पूरा था प्रताप उतना थोड़ा चेहरा क्योंकि कोई ना संतान थी, बस यही एक शोक था यज्ञ किया राजा ने था पाने को संतान, आए चार पुत्र और सभी थे महान, गूंजे चारों ओर फिर खुल के शोक गायन, राम की काया में थे स्वयं ही नारायण, गूंजे जो किशोर था मैं गुरु ने पुकारा, सभा में राम ने था धनुष को उठाया, एक छोर से वो दूसरे को ले जाते, सुना आपने भाई साहब, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 35 वॉट की साउंड बार इतनी ज्यादा लाउड हो सकती है। रही बात इसके वोकल की तो वो भी मतलब क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा बेस हैवी है। बेस हैवी मतलब जैसे कि कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनकी आवाज में धमक ज्यादा होती है तो उसको सुनने में आपको काफी ज्यादा मजा है। तो बेस हैवी वोकल है इसकी और ट्रेबल भी इसकी डिसेंट है, तो बिना ट्विटर के भी इसकी ट्रेबल काफी ज्यादा अच्छी सुनाई देती है। कुल मिलाकर जिस हिसाब का इसका प्राइस रेंज है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा मजा आया मेरे को इसे सुन के। जैसा आपने खुद ही सुन लिया, जो बेस है इसका वो भी मतलब अच्छा है। जो बेस नहीं होता जो डुपचिक डुपचिक वाला बेस होता कुछ कुछ उस प्रकार वाला बेस इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है। चलिए एक छोटा सा ट्रेलर देख लेते हैं। सीखने के लिए आ गए हैं। अच्छा आ गए हैं वो, माफ करना सबको इंतजार करवाया, आ रहा हूं। मैं आपके लिए चाय लाया हूं, इसलिए इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सच में दिल से माफी चाहता हूँ आपसे। माफी की जरूरत नहीं है, तांजीरो के पापा हैं वो। बच्चे को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें होश आ गया, तुम 2 महीने से कोमा में थे, डीमन से टकराव के बाद से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम है गोटो, मैं डीमन स्लेयर्स के क्लीनअप क्रू में हूँ, हमें कहते हैं काकुशी। क्योंकि वो एक दूसरे के गले लगे हुए थे तो मैंने सोचा वाह क्या सीन है। देखा वाह क्या सीन है, अरे मोदी जी का कमाल है सब। डबिंग भी तगड़ी सी कर रखी है इसके हिंदी में तो देखा आपने कुछ इस तरह की इसमें वॉइस आपको सुनाई पड़ती है। मतलब थोड़ी सी वॉइस इसकी बेस हैवी साइड में, मतलब जो आर्टिस्ट की आवाज़ इसमें मोटी है उसमें तो आपको सुनने में मज़ा ही आ जाएगा। और इसमें जो छनकार है मतलब जो ट्रेबल है वो भी काफ़ी डिसेंट ये प्रोड्यूस कर लेता है। और बेस तो आपने खुद ब खुद सुन ही लिया, बहुत ही मज़ेदार है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगी। और अभी जो ये बज रहा था ब्लूटूथ से बज रहा था, उसके बावजूद इसमें लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी। पर शर्त ये, मेरा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो भी 5.0 है, साउंड बार भी 5.0 है, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। पर अगर आप इसे एक बार ऑप्टिकल से कनेक्ट कर देंगे, वो केबल अलग से आपको खरीदनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो इसमें 0% लेटेंसी, मतलब कुछ भी लेटेंसी नहीं आएगी बस। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि जैसे सबवूफर वाला जो सिस्टम होता है उतना बेस आएगा, तो उतना बेस तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। 100% वॉल्यूम पे भी इसकी आवाज बिल्कुल भी क्रैक नहीं होती। चलिए थोड़ी सी गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं, वैलोरेंट खेलेंगे हम लोग। Match found. देखा मैंने मारा। Attempt.
इसमें लेफ्ट राइट का भी बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से पता चल जाता है। मैंने साउंड बार उल्टी रखी है क्योंकि इसका वायर नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए लेफ्ट का राइट का लेफ्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को साफ साफ पता चल रहा था कि लेफ्ट से कोई आ रहा है कि राइट से कोई आ रहा है। कहा जा सकता है फुल पैसा वसूल साउंड बार है। पहला मैच तो हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बंदा तो मैंने मार ही दिया नूब होने के बावजूद। चलिए साउंड टेस्ट बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। आप इसे घर में मत खोलिएगा वरना आपकी वारंटी चली जाएगी। ये यहाँ पे इसका सर्किट बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, तो चलिए इसे खोल लेते हैं। सर्किट बोर्ड बाहर आ चुका है। पतले पतले वायर का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से स्पंज लगा दिया है। ये एज अ शील्डेड वायर का काम कर इसमें, ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि जैसा आपको पता ही है क्लास डी एम्पलीफायर में इंटरफेरेंस के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसके लिए गुड जॉब सेब्रोनिक्स। में यहाँ पे इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल मिल जाता है जो की ब्लूटूथ 5.0 है। इसकी जो आईसी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेस पे बनी है। यहाँ पे इसका ब्लूटूथ एंटीना मिल जाता है, एलईडी मिल जाती है, और ये इसका इंफ्रारेड सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे दो छोटे छोटे कैपेसिटर जो की 25 वोल्ट 470 UF के, इसमें कितने सारे छोटे छोटे SMD कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे इसकी एम्पलीफायर IC लगी हुई मिल जाती है जो कि है PS8676E। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल IC है। ये दो चैनल पे 40 वॉट तक का आउटपुट दे सकती है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 40 वॉट की इसमें IC का इस्तेमाल किया गया है, मतलब पर चैनल में 20 वॉट का आउटपुट ये दे सकती है। तो टोटल हो गया 20+20 40 वॉट तक का आउटपुट ये IC दे सकती है, मतलब पीछे कोई भी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, बस हीट सिंक यहाँ पे बनाई गई है छोटी सी। ऐसे क्लास डी एम्पलीफायर IC बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती। और यहाँ पे इसका वारंटी का स्टिकर लगाया गया है। इसकी डाटा शीट वैसे तो चाइनीज में लिखी हुई है ये डाटा शीट, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप पढ़ लेंगे CS8676E। एक चैनल पे 20 वॉट तक का आउटपुट ये दे सकती है, तो 20x20 40 वॉट की IC ये है। और अगर सिंगल चैनल पे चलाएंगे तो ये आपको 33 वॉट का आउटपुट देगी, पर इसमें इस तरह नहीं कॉन्फ़िगर किया गया है, इसमें इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है। बल्कि अगर आप इसे 13 वॉट देंगे तो 4 ओम के लोड पे 22x22 44 वॉट तक की IC बन जाएगी। ना कमाल की बात, मतलब इसमें IC भी काफी ज्यादा पावरफुल इस्तेमाल करी गई है। तो मेरे लिए तो इसने अबव एक्सपेक्टेशन काम किया है, तो मैं तो भाई इसको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। तो इससे अच्छा आप ले लीजिएगा ज़ूक बार 2550, दोनों सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस वो थोड़ा लेटेस्ट है। तो बिल्कुल मैं इसको रिकमेंड तो आपको करता हूँ, आपको इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।